रामायण के जिंदा सबूत रामायण सच है या झूठ? क्यों वैज्ञानिक इसे मानने से करते इनकार? क्या है वैज्ञानिकों द्वारा राम सेतु की कहानी? और अगर सच है तो किन किन देशों ने लिया था रामायण के युद्ध में हिस्सा? और क्या आज भी अलंकापति रावण का सोने का महल? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की पूरी जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं, तो वहीं कई लोगों का ये पूर्ण विश्वास है कि रामायण में हुई घटनाएं वास्तव में घटित हुई थी। यहाँ पर हम इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में हुई घटनाएं कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। नंबर एक, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। ये वही महल है जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कही जा सकती है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देख कर वहाँ के सभी निवासी कहने लगे कि सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर दो, सुग्रीव की गुफा। बाली के इस डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वो गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने तुडुम्बबी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए तुडुम्बबी के खून की कुछ बूंदे मांतंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गयी और ऋषि ने अपने तप के बल पर ये जान लिया कि ये किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वो कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकाले जाने पर वो इसी जगह आए थे क्योंकि वो जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। नंबर तीन, राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। ये चूना पत्थर से बनी ब्रिज है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय ये राम सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। ये पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15वीं शताब्दी तक ये पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के सैटेलाइट द्वारा लिए गए फोटो मीडिया के सुर्खियों में आई। समुद्र पर बने राम सेतु को राम जी की दूसरी वजह कहा जाता है क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। नंबर चार, रामायण कालीन की हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के चार हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये टीम श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी और यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के अनेक स्थानों की खोज के दौरान रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। कमेटी के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसान गौड़ा, गुरुलोपोथा, तोतु पोलाकंदा और बरियापोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं। नंबर 5, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है जहाँ रावण ने सीता माता को हरण करने के बाद कैद करके रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया माउंटेन की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे वीरांग टोक कहते हैं, जो वहियांगना से 10 किलोमीटर दूर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को उतारा था। यहाँ सीता माता को ले जाया गया। उस जगह का नाम गुरुलपोटा है जिसे अब सीता कोटुआ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, संजीवनी बूटी पहाड़। दोस्तों, आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह ये पर्वत मौजूद है। रामायण से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। वैद्य सुशीर्ण ने संजीवनी को चमकीली और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर इसे श्रीलंका में फेंक दिया था और जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग होती है। नंबर 7, दीव रूम पोला। ये वही जगह है जहाँ रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने को कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज भी यहाँ वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने ये परीक्षा दी थी। उस पेड़ के नीचे लोग जरूरी फैसले लेते हैं। नंबर 8, हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में ऐसे कई स्थान है जहाँ पर किसी बड़े जीव के पैरों के निशान मिले हैं। लोगों का मानना है कि ये पैरों के निशान हनुमान जी के ही हैं। हनुमान जी ने जब सीता जी को खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वो आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुँच गए थे, ऐसा कहा जाता है। जहाँ उन्होंने पहले कदम रखे वहाँ वहाँ उनके पैरों के निशान बन गए। ये निशान आज भी वहाँ मौजूद है। जब राम जी हनुमान जी के साथ लोपाक्षी में दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे, राम जी ने यहाँ जटायु को मोक्ष प्राप्त करने में मदद की थी और लोपाक्षी कहा था, जिसका मतलब होता है पक्षी उदय। यहाँ भी बहुत बड़े पैर के निशान है और ये माना जाता है कि वो हनुमान जी के पैरों के निशान है। नंबर 9, कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव की पूजा करते थे और रावण ने भगवान शिव के लिए ये मंदिर बनवाया था। ये इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इसी मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया जो बताती है कि रावण के 10 सिर थे। नंबर 10, जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। क्योंकि सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। यहाँ पर हर रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 11, रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना भी की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक रेत का शिवलिंग सीता
माता ने बनाया। दो शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है, इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। नंबर 12 हनुमानगढ़ी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। उसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। नंबर 13 विभीषण का महल। रावण की मृत्यु के बाद राम जी ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथों सौंप दिया था, जिसके बाद विभीषण ने कलानिया नदी के करीब एक महल का निर्माण करवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला था। शोधकर्ताओं की एक टीम जब वहां पर जांच कर रही थी तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले थे, जो ये सबूत देते हैं कि यहां विभीषण का महल था। नंबर 14 सीता टियर तालाब। जब रावण धोखे से सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया था तब रावण का पुष्पक विमान एक स्थान पर उतरा था। जहां पुष्पक विमान रुका उस स्थान पर सीता जी के आंसू गिरे और वहां पर एक कुंड बन गया और आज इसे सीता टियर तालाब कहा जाता है। इसके आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है, फिर भी यहां का पानी किसी भी मौसम में नहीं सूखता। नंबर 5 कोंडा गट्टू। रामायण के अनुसार हनुमान जी के लंका जलाने के बाद रावण डर गया था और उसे बार बार ये डर सता रहा था कि हनुमान जी दोबारा से लंका पर हमला न कर दें। इसलिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडा गट्टू में रखा था। पुरातत्व विभाग को यहां कई गुफाएं मिली हैं जो सीधी रावण के महल तक जाती हैं। नंबर 16 लिपाक्षी मंदिर। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन यहां जटायु गिरे थे। आज उस जगह को लिपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 17 पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन सबूतों के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।